हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्या मित्तल दिस साइड। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैथ्स के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए जिससे आप जेई एडवांस और जेई मेंस को यू क्रैक कर पाओ। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, मैं हमेशा हर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम। तो एनसीईआरटी को मैं दिखाती हूँ आपको। ये है पार्ट वन की एनसीईआरटी फॉर क्लास ट्वेल्थ, और ये पार्ट टू की एनसीईआरटी है फॉर क्लास ट्वेल्थ। ठीक है, ये काफ़ी मतलब छोटी सी लगती हैं और ये काफ़ी इजी भी होती है अंदर से। और एनसीईआरटीज आपको बोर्ड के लिए भी हेल्प करती है, अगर क्योंकि बोर्ड तो सभी को करना है इन क्लास ट्वेल्थ, तो बोर्ड के लिए तो हेल्प हो ही जाती है। बाकी आपके कंसेप्ट और सारे फॉर्मूलेज वगैरह भी इसके अंदर होते हैं जो जेई मेन्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और एडवांस के लिए आपको कंसेप्ट मिल जाता है। एंड दिस वन इज़ द बुक फॉर क्लास इलेवेंथ। इसकी सिर्फ एक ही पार्ट आता है जो कि थोड़ा मोटा है, बट स्टिल इट्स मैनेजेबल। ठीक है, इतना भी मोटा नहीं है जैसे आर डी शर्मा भी आपको दिखाऊंगी। और ये है एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर आपकी मर्जी, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। मैंने तो इसे मतलब ले लिया था बट मैंने किया नहीं था। ठीक है, देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है इसके अंदर, ऐसी पड़ी हुई है ये एग्जाम्पलर बस। तो ये इट्स अप टू यू कि अगर आप एक बार बुक शॉप पे जाके देखना, अगर आपको एग्जाम्पलर के पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ आते हैं, अच्छा लगता है, तो आप ले सकते हो उसे। अब आर डी शर्मा एक्चुअली ना आपके बोर्ड्स वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ले ली थी एक बार आर डी शर्मा, और मैंने इसके सारे एम सी क्यूज वगैरह कर लिए थे, क्योंकि एम सी क्यूज ही किए थे, क्योंकि आर डी शर्मा के ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो इलेवेंथ ही है आर डी शर्मा, देखो मोटी भी काफ़ी है, तो मैंने इसके एम सी क्यू कर ली थी एक बार। ठीक है, एम सी क्यू होते भी कम ही है, 20-25 एम सी क्यूज होते हैं अराउंड एक चैप्टर के अंदर, तो वो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने ली थी और ये अच्छी बुक भी है काफ़ी। आर डी शर्मा तो बचपन से हम नाम सुन रहे हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। ये वॉल्यूम वन है फॉर क्लास ट्वेल्थ एंड दिस इज द वॉल्यूम टू फॉर क्लास ट्वेल्थ। क्लास इसकी दो दो वॉल्यूम्स आती है क्योंकि काफ़ी मोटी हो जाती है तो फट ना जाए, इस वजह से इसकी दो वॉल्यूम्स आती है। इसको भी आप कन्वर्ट करा सकते हो इन टू वॉल्यूम्स, और इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं होता, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। एन सी आर टी तो काफ़ी सस्ती आती हैं। इसका 855 है फॉर बोथ द बुक्स, मतलब वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू, और क्लास इलेवेंथ के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। आपको डिस्काउंट पर भी मिल जाएगा आप जहाँ से खरीदते हो। इसका प्राइस है 545, ये सस्ती है थोड़ी। अब ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस ऐसी मुझे किसी ने दे दी थी तो मैंने ले ली थी। बट अब मैं बताती हूँ आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, मतलब जो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बुक्स कंसिडर की जाती हैं। ये तो जेई एडवांस के लिए, जो कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ जेई मेंस फोकस्ड होते हैं, मतलब उनको जेई एडवांस से कुछ लेना देना नहीं होता। तो मैं प्रेफर करूँगी कि इस सैनगेट सीरीज में जेई मेंस का पैटर्न आता है, आप वो ले लीजिए। लेकिन जो बच्चे होते हैं जो दोनों करना चाहते हैं, लाइक अगर आप जेई एडवांस कर रहे हो तो यू नीड टू डेफिनेटली क्रैक जेई मेंस, राइट? तो उसके लिए आप जेई एडवांस ही ले लो, जेई मेंस की प्रिपरेशन उसी से कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बुक्स है ये सेंगेज पब्लिकेशन की आती है। तो ये एलजेब्रा की है, कैलकुलस की है, इसकी 6 बुक्स आती हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D एलजेब्रा। ठीक है, और एक ये हो गई कैलकुलस, 5 आती हैं। ठीक है, सॉरी मुझे वेक्टर्स और 3D में, मेरे को लगा अलग अलग बुक्स हैं, सॉरी फॉर दैट। बट इसकी 5 बुक्स आती हैं, मेरे पास अभी फिलहाल 2 हैं, बाकी सब मैंने लाइब्रेरी से इशू की थी और कुछ मैंने कभी अपनी फ्रेंड से ले ली थी। फुल्ली मैंने इसे नहीं किया था, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर होता क्या है। कैलकुलस की तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें शुरू में कैलकुलस का सब कुछ दिया हुआ है, सारे चैप्टर्स हैं कैलकुलस के। और फिर मैं अंदर से दिखाती हूँ आपको होता क्या है। पहले जैसे आप चैप्टर शुरू कर दो, इनइक्वालिटीज फंक्शंस चैप्टर शुरू कर दिया, तो इसके अंदर पहले वो आपको समझा देंगे कि व्हाट इज़ अ क्लोज इंटरवल, व्हाट इज़ एन ओपन इंटरवल। ठीक है, और ये सब समझा दिया, उसके बाद आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, इलस्ट्रेशन आ जाएंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज आ जाएगी, जो आपने पहले कॉन्सेप्ट किए हैं वो आप कैसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, फिर वो सब हो जाएगा, फिर एग्जांपल्स आ जाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे बताए हैं, A to Z, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है इस बुक में। सेंगेज की मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी जो बुक है ना उसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का कभी नहीं छूट सकता, सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स कवर अप होते हैं। कभी कभी तो ज़्यादा हाई लेवल भी होता है, वो आपको अपने टीचर से कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सी बुक में कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है, जो कि नीडी नहीं है अपने सिलेबस के हिसाब से। तो ये देखो एक्सरसाइज 11 तक पहुंच गया, अभी तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। अब लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो इसमें क्या आता है,
हो जाता है तो हमारे आते हैं सब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइजेस, फिर सिंगल करेक्ट आती है, और सिंगल करेक्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक चैप्टर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1500 टू मतलब कभी कभी तो 2000 भी पहुंच जाता है वो नंबर, बट जनरली 1000 to 1500 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप इतने सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, और अगर आप इसे पूरा कर लेते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए और मैं अब आगे पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस हैं, और इसके अंदर रीजनिंग टाइप है, लिंक कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, सब कुछ है जो आपको एडवांस के लिए चाहिए। एडवांस में इसी टाइप के तो पैटर्न्स आते हैं, और मैट्रिक्स में मैच टाइप आता है, फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, आर्काइव्स हैं। आर्काइव्स आपके देखो 1978 से भी पहले के जो जो क्वेश्चंस आए होंगे, वो सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। 1978 और जो लेटेस्ट, जहाँ कब तक है, जो आपने लेटेस्ट बुक ली, अगर आपने 2001 की बुक ले रखी है, तो फिर तो आपको 2000 तक के मिलेंगे ना। तो आपने जो लेटेस्ट बुक ली है उतने तक है, और ये यहाँ पे आर्काइव्स खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू हो जाता है, और नए चैप्टर में भी मतलब सब कुछ सेम पैटर्न है, और सेंगेज की सारी बुक्स का यही पैटर्न है, और बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स होती है सेंगेज की, अगर आप इसको पूरा करने की हिम्मत रखते हो तो। और ये बुक ना काफ़ी अच्छी है, ये प्ले विद ग्राफ्स करके है, ये आप ना, मैंने तो 12th में ली थी, क्योंकि 12th में फंक्शंस कराया जाता है, उसके अंदर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कराई जाती हैं, तो ये बुक मेरे टीचर ने बोली थी। इसके अंदर ना आपको सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने आते हैं, क्योंकि कैलकुलस इज ऑल अबाउट ग्राफ्स। आप अगर अच्छे से ग्राफ्स को प्लॉट कर पा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कैलकुलस में। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिना ग्राफ्स के आपका हो नहीं पाएगा, बट जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब आपको पता होगा, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को समझ के करोगे और इस बुक को मतलब फॉलो करोगे, इसके जो कंसेप्ट हैं और इसके जो ट्रिक्स हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बुक है, ये अरिहंत की मैंने ली थी, इसकी सेंगेज की भी आती है, बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगी जब मैं बुक शॉप पे गई। तो बाकी आप देखें ना, आपको जो बेटर लगे, सेंगेज की भी आती है, और ये सिर्फ 200 रुपीज़ की है। बाकी सेंगेज की बुक्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है, देखो जैसे ये 819 की, 829 की, ऐसी अगर 5 बुक्स है तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, आपके टीचर्स ने भी आपको कुछ बताया होगा, बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, देन डेफिनेटली गो ऑन फॉर दैट बुक्स। और यही था मैथ्स के लिए जो मैं आपको सजेशन दे सकती थी बुक्स का। और भी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वीडियोस बनाई हैं, तो आप जाइए उनको चेक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।